Hi guys, good morning everyone. Welcome to the class. My name is Shivangi Gautam, and in this series I will be discussing about important government schemes in 10 minutes, a quick revision for all the government schemes we will be doing. आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की थोड़ी सी और स्कीम्स जो कि हमने कल डिस्कस नहीं करी थी. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कौन सी इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आई हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं. किसी का कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन हुआ एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेशन प्लीज लेट मी नो आई हेल्प यू विद द सेम. बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अन अकेडमी में. वी हैव द 1 ईयर एंड द 2 ईयर कोर्स प्लान जहाँ पे हम लोग अन अकेडमी के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा कोर्स करिकुलम कवर करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी एंड मेंस के जो एनसीईआरटी एंड प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे. 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक एमसीक्यू प्रीलिम्स बूस्टर बैच. इस प्रीलिम्स बूस्टर बैच में हम लोगों का फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम एक फाइनल पुश दे पाए 2021 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर आया है कि स्पेशल क्लासेस. ये फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम लोग जितना भी सेशन यूट्यूब पे लेते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से कोलेट करते हैं विद व्हाट वी आर यू नो टीचिंग एट वाईटी. तो हम लोगों का जो 8 PM पे सीरीज चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का क्विक रिविजन नितिन सिंघानिया का, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं इन दी स्पेशल क्लासेस. मेरा स्पेशल क्लास होगा आज 9:15 बजे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन आर्ट एंड कल्चर. जस्ट यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर फ्री एनरोलमेंट. इसके तहत आप लोगों को सारे स्पेशल क्लासेस आप देख पाएंगे. साथ ही साथ में आप यहाँ पे मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं. आपका कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो आप वो पूछ सकते हैं. कोई ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ में आए मोर और लेस आपको यहाँ पे जितना भी PDF है वो भी विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू विद द कोर्स करिकुलम एज वेल. सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी को, डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी का ऐप, उस पर स्पेशल क्लासेस पे जाइए. जस्ट यूज द कोर्स शिवजी लाइव एंड एनरोल फॉर टुडेज क्लास. अपार्ट फ्रॉम दैट कमिंग टू द पार्ट ऑफ द मेजर क्लासेस एंड द मेजर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है. पहली स्कीम जो आई है दैट इज द मिड डे मील स्कीम व्हिच इज एन ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो मिड डे मील स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हो गया कि मिड डे मील स्कीम का जो खर्चा होता है, जो शेयर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होता है. जब हम इस डिवीजन की बात करें किसी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में, द रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी और द फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर. ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है ताकि बर्डन जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना पड़े या ही ना ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स पे पड़े. तो रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने का सबसे मेजर इम्पेरेटिव ही यही होता है कि किस तरीके से दोनों गवर्नमेंट्स आपस में मिल बांट के काम कर पाए और एक बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिल पाए. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पार्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि वो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है स्टेट्स को. जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कुकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है खाने की, फूड ग्रेन्स हैं, पेमेंट है ऑनरेरियम कुक्स को, हेल्पर्स को, ये सारा कुछ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में शेयर करते हैं. साथ ही साथ में शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो ज़्यादा होता है. सो मेजॉरिटी स्टेट्स के लिए अगर आप सेंट्रल टू स्टेट का रेशियो देखोगे वो 60:40 होता है. बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे या हिली एरियाज की बात करोगे, इन सारे एरियाज में अगर हम सेंट्रल स्टेट की बात करें, इन पार्ट्स में सेंट्रल टू स्टेट का रेशियो 90:10 होता है एंड दैट इज हाउ दिस मेजर डिविजन इज. ठीक है, उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट्स का वो कंपैरेटिवली कम होता है एंड दिस इज समथिंग विच वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. उसके बाद अगर हम बात करें इस मिड डे मील स्कीम में किस तरीके से स्कीम में काम किया जाता है, तो पल्सेस को यूज किया जाता है फ्रॉम द बफर स्टॉक. साथ ही साथ में जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जितना भी बफर स्टॉक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपने टेस्ट के हिसाब से लोकल जो भी ग्रोथ है उसके हिसाब से मिड डे मील स्कीम के लिए सेंट्रल बफर स्टॉक में से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है वहां से अपना प्रोक्योर अपने पल्सेस को प्रोक्योर कर सकें. सो लेट्स से यूपी वाले एरिया में अरहर दाल ज्यादा प्रोमिनेंट है, अगर हम पंजाब साइड में जाएं वहां पे उड़द दाल ज्यादा प्रोमिनेंट है. तो इस तरीके की जो भी दाल जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रोमिनेंट होती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है. अटेंडेंस मॉनिटर करने के लिए 100% एक्वायर किया जाता है कि 100% स्कूल्स को हम एक ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू अपलोड करें या जहाँ पे इस ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जितना भी डेली डेटा है वो यहाँ पे अपडेट हो. ये पता रहे कितने बच्चे आए थे स्कूल में, कितनों ने मिड डे मील लिया, कितनों ने पढ़ाई करी. साथ ही साथ में जो मेन्यू है MGM के अंडर ये स्टेट्स अपने हिसाब से डेवलप करती है ताकि लोकल टेस्ट को, लोकल प्रोड्यूस को अलग अलग दिनों पे दे पाए. सेम खाना एक दिन पे नहीं मिलता है, सेम खाना बच्चों को रोज नहीं मिलता, डिफरेंट फूड हर दिन दिया जाता है. किसी दिन कोई स्पेशल त्यौहार होता है, कोई भी ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है, तब डिफरेंट फूड्स को लेकर आया जाता है, लोकल टेस्ट पे फोकस किया जाता है. देन कम्स अ तिथि भोजन पार्ट, इसमें जहाँ पे एंकरेज किया जाता है कि कम्युनिटी जो भी फंक्शंस होते हैं, कम्युनिटी फंक्शंस को किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, जहाँ पे फोकस किया जाएगा चाइल्ड मैरिज पे, बर्थ पे, बर्थडे पे, एक्सेट्रा.
जहाँ पे जो तृतीय भोजन है इसको एक कॉम्प्लीमेंट माना जाता है एमडीएम का, ना कि सप्लीमेंट, बट हम रादर ये बोलते हैं कि किस तरीके से तृतीय भोजन रिप्लेस नहीं कर देगा एमडीएम को, बट रादर उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जेल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारा हो गए, इन सबको मिड डे मील स्कीम के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, और मिड डे मील स्कीम के तहत हम बच्चों को और इन लोगों को भी पुश दे सकते हैं फॉर अ बेटर हेल्थियर पाथ। हम मिड डे मील स्कीम को लेकर आने का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर मोटिव था वो यही था कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो न्यूट्रिशन की कमी आती है हम उसको टैकल कर पाए, और इस न्यूट्रिशन की कमी को टैकल करने के साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनका अटेंडेंस हम किस तरीके से बढ़ा पाए। तो स्कूल अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि रूरल एरियाज में बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं, हम इन दोनों ही फोकस एरियाज को लेने के लिए मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करें, उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान की बात करें किस तरीके से वर्क करता है। सो उन्नत भारत अभियान जो है इट विल बी इनेबलिंग दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि वो रूरल एरिया में, रूरल इंडिया में काम करें, जहाँ पे आइडेंटिफाई करें, डेवलप करें अलग अलग चैलेंजेस को, जो भी एप्रोप्रिएट सोल्यूशन है जिसके तहत हम सूटेबल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर पाए, उस पर फोकस करें। रूरल इंडिया में जैसे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन की कमी होती है, तो वहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करें इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करें। साथ ही साथ में नेशनल नीट के हिसाब से स्पेशली इन रूरल एरियाज हम बच्चों को कैसा रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाते हैं ताकि वो लोग एक नेशनल करिकुलम में फिट हो पाएं, उस हिसाब से काम कर पाएं, उन्हीं एरियाज पे मेहनत कर पाएं, उस चीज़ के लिए हम फोकस करना चाहते हैं। IIT दिल्ली इसको डिजिग्नेट किया गया है जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट का काम करेगा फॉर द उन्नत भारत अभियान। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द स्कीम ऑफ AICTE स्पाइसेस, जो हम लोगों के स्पिक में के क्लब्स वगैरह होते हैं, ये स्पेसिफिकली स्कीम को इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड कर पाए उन बच्चों को, जहाँ पे उनके एक वेल राउंडेड डेवलपमेंट के लिए थ्रू वेरियस इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग इंश्योर कर पाए, थ्रू दी को करिकुलम बच्चों की क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर पाए, और जो भी उनके आप बोल सकते हो हॉबीज हैं, उनके जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, उससे वो किस तरीके से किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा सकते हैं या फिर इनोवेशन को लेकर आ सकते हैं। उनका जो भी टैलेंट है, नेटवर्किंग है, टीम वर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, सोशल एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्टिक एराज है बच्चों के, बच्चों का जो भी हम जिस तरीके से उनको एनर्जाइज करना चाहते हैं, हम उनको एक वोकेशनल लर्निंग उनको किस तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं ताकि इन गोइंग फॉरवर्ड इस वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत अपनी हॉबीज में अगर उनका इंटरेस्ट है, दे कैन यू नो मॉनिटर इट वेल, इसमें वो अपना मार्केट सेटअप कर सकते हैं, इसमें अपना मार्केट वैल्यू या ब्रांड वैल्यू दे कैन क्रिएट, और साथ ही साथ में अगर दे वॉन्ट टू परस्यू अ करियर, अगर वो आगे लेबर मार्केट में वो इसी में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनको उसी के लिए बताया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से लेबर मार्केट में इस पर्टिकुलर फील्ड से क्या क्या बेटर ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं। उसके बाद आता है इनोवेशन इंस्टीट्यूशन फॉर इनोवेशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2018 में सेटअप किया था, जिसका मेजर फोकस है स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म लेकर आना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है इनोवेशन अचीवमेंट फ्रेमवर्क के उनको सेटअप करना, साथ ही साथ में कुछ 1700 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन काउंसिल को सेटअप करा गया है, और 3.0 वर्जन इसका एज ऑफ नाउ चल रहा है। So guys, this was the whole part that I had from my end for the Ministry of Education. कल अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है वो इस संडे को होगा। प्लीज यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर फ्री एनरोलमेंट। 11 से 12 बजे ये कॉम्बैट होता है, इसमें 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, ठीक है। यूज दिस 4 करोड़ स्कॉलरशिप पूल फॉर टॉप 500 रैंकर्स। आपको करंट अफेयर्स भी आपसे कॉम्बैट में अवेलेबल मिलेगा, साथ ही साथ में 56 क्वेश्चंस आएंगे इन 60 मिनट्स। इंश्योर कीजिए आप कॉम्बैट दे दें, आपको पता रहे वेर यू स्टैंड विद द फेलो एस्पिरेंट्स और कितनी मेहनत आपको 2022 और 23 के कार्यक्रम के लिए भी करनी है। सो दिस वाज द होल सेट। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फ्रॉम माय एंड, हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन। गुड डे।